अरे पिचौक पंख में बनक साड़ी रख के रख पिचौक पंख में पहन के तू भाई हां हां नेटी दबा उतर आ बेटा नेटी दबा उतर तोर जगह के काहे खाती वो मम्मी को मोबाइल वो अपना मोबाइल मैं मौजूद हूँ रोहतास जिले के अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदी गांव में, और चांदी गांव का वही वह घर है जो शनिवार के दिन एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। परिजनों का कहना है कि फांसी पे लटकी हुई पाई गई थी, लेकिन परिजन मृतका के जो मायके के लोग हैं उनका दावा है कि उनको मारा गया है, और इस मामले में कोड़ीगोला थाने में उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि घटना के दो तीन दिन बीतने के बाद ऐसा मामला सामने आ रहा है कि वो मौत नहीं आत्महत्या था और इसमें परिजनों का कोई हाथ नहीं था। खबरें के पीछे सच्चाई दिखाने का यह मुख्य वजह यह भी है कि जो मृतका थी उनके बच्चे हैं 6-7-8 साल के, और उसमें भी घटना के समय घर में मौजूद थे, और खबरें सच्चाई जो होती है पता लगना भी चाहिए। ये देखिए, ये घर वही मकान है जिसके सामने हम खड़े हैं, और इसी मकान के अंदर वो महिला थी। और मैं बता दूं तो मुख्य रूप से ये चांदी गांव का इलाका है, खेती गृहस्थी का इलाका है, और यहाँ के लोग दिन भर खेतों में मिलेंगे, और ख़ास करके कुछ वहाँ समाज के लोग, और शाम को अपने घर लौटते हैं। तो परिजनों का कहना है, यहाँ के लोगों का, कि हम खेतों की ओर गए थे तब ये घटना हुआ, लेकिन उस समय पर बच्चे घर में थे और ये जो मुख्य दरवाज़ा था अंदर में बंद था। लेकिन इसी के घर के एक और जो महिला थी वह इस छत के ऊपर में एक अपने रूम में थी, और जब वो बच्चे रो रहे थे तो इसी छत के सहारे से वह आती है, और ये मैं कहना उसको थोड़ा दिखाइए, इसी छत के सहारे से वो महिला आती है और आ करके देखती है कि ये दरवाज़ा जो खुला था, जो अभी ताला बंद है, इसी में मृतका का शव पंखे से टंगा हुआ पाया जाता है, और बच्चे जो है जोर जोर से रो रहे होते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इसको कमरे को ताला बंद कर दिया है, इसमें जाने की किसी की अनुमति नहीं है, और ये इसी छत के सहारे से दूसरी महिला आती है और लोगों को शोर करती है, चिल्लाती है कि ऐसा घटना हुआ है। समझने की बात आप वीडियो देख पा रहे होंगे कि ये देखना पा रहे होंगे कि उस महिला ने छत के रास्ते से किसी को नहीं बुलाया। तो मैं बता दूं कि ये घर जो है पूरे खेतों में के बीच में है, और इस घर के आसपास कोई घर नहीं है, और जब ताला नहीं टूटा तो कट्टर के सहारे, ये देखिए कट्टर के सहारे इसको काटा गया है। एक महिला थी अंदर में, लेकिन देखिए ताला को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन महिला की जो ताकत और स्थिति थी काफ़ी इस ताले पर नहीं पड़ पाया, लेकिन जल्दबाजी में लोगों ने बगल के ही गांव के घर से कटर मांगा था, और कटर मांग करके इस गेट को काटा, तभी लोग अंदर गए और घटना के बारे में जाना। अब मैं बात करूंगा उन बच्चों से कि जो बच्चे थे, इधर बैठा जाओ, बच्चे हैं ये सच बताएंगे, और कहते हैं कि बच्चों में ईश्वर के रूप होता है, जो बच्चे होते हैं ईश्वर के रूप होते हैं, और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्या नाम हो बेटा? राध्या। राध्या, कहाँ घर हुआ? यहाँ। ये घर हो तुहार चांदी गांव में? पढ़े लू? कौन क्लास में? एलकेजी में। अब एलकेजी में पढ़े लू? ट्यूशन हो जालू? अच्छा, ए मम्मी जैया ए मूगी रही उस दिन तू घर रहू? क्या करते रहू तू? मम्मी कले रही है, वो सब पढ़े। अच्छा अच्छा, मम्मी घी पे कपड़ा पूरा घी कपड़ा पे डाल दे रही, सिलाई बांट दे रही, नया कपड़ा तोर कपड़ा रहो में। हाँ। तू देख ले रहू ओजे रहू तोर हाल ना कर लू जी ले लू नहीं ना हाँ हाँ नेटी दवे उतर आ बेटा नेटी दवा उतर तोर जगह के काहे खाती वो मम्मी को मोबाइल वो अपना मोबाइल कहत रही तुरो लगला लोग तो अरे पिचौक पंख में बनक साड़ी रख रख पिचौक पंख में पहन के तू देख ले रहू कि कोई तरह से खाई लेबा ना देख ले भाई देख ले रहू आ उतर घर में कोई ना रहे पापा ना रहे दादा चाहे महिला कोई ना रहे चाची उची ना कोई ना रहे खेल तू हिंदी रहला चाची कहाँ रहे तारे को छत पे रही सूतल है लेकिन रेंजा तो तारे मम्मी की कोई उम्र लहू वाला का कहू घरवा में कोई मरले वाला तारे मम्मी के ना ना मरले रहे
तो कहता से कि तोहर मम्मी की कोई मार के मुंगा दिल रहा ला? मार देखले रहू फांसी लगा के मुल बिया कोई मरले ना रहे ना देखले रहू अच्छा चल अब एजे रहबू ना कि नानी घर जाइबू ना हम पापा दादी पापा फिर सब कोई तरह मारत नहीं खेनू नहीं तेरे पापा मम्मी के मरले रहले का एक दो दिन पहले के पीछे ना ना कहां सुतत रहलू तू मम्मी भी सुतलू दादी भी रू आ मम्मी भी ना सुतलू ना बबुआ मम्मी भी बबुआ सुतला बबुआ तो हर का नाम हुआ रौनक पढ़ेला कौन क्लास में दूसरी क्लास में अच्छा अच्छा तू घर में रहू ना जे माई मुगली कैसे मुगली माई हो बाबू बैग पे चढ़ के हां तू उजे रह देखल दो साथ रह लोग है ना बाबा साथ रह लोग दो जना देखें भी सब बकोटल भी करना है आ तोरो के मन कुछ कहत रही का तोरो के मन ले रही का ना हां ना ना मुआ बहुत रहे लिए के हैं हम लिए के मुआ बहुत रहे काहे खती हैं ऐसा है मम्मी का कहत रही तोरा से कुछ ना तो उ का देखला तो मम्मी क्या कहत रही क्या कर देखला दे कुल के कपड़ा पिटाल के सलाई बार देले रही फिर ऊपर एक पचाड़ के फांसी लगा के मुगल तू देखले रहा मुगते ताला कहले रोत रहा ना रहना रोला रोत रहा फिर के आई ऊपर के आई फिर देखे खाते दूसरे पहले बार के देखलस मम्मी लेके मम्मी लेके मम्मी देखली लेके मम्मी नीचे ना रही ना ऊपर रही ये सब कुछ सिखाईले बा के तू देखले रहा होई जे देखले रही झूठो ने कनु बोलत हम पता हम पत्रकार हैं झूठो बोलवा तो जेल हो झूठो कनु बोलत चला कहते हैं कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं और आत्महत्या को हत्या कहना ये सरासर गलत है और घटनाएं होती हैं और घटनाओं से हमें भी दुख है किसी का परिवार उजड़ा कि कोई बेटे अनाथ हो गए एक माँ जो है अपने पुत्र को छोड़कर चली गई लेकिन खबर बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बेगुनाह फंसे नहीं और जो गुनाहगार है वो सलाखों के पीछे हो और घटनाएं होती रहती हैं अक्सर किसी न किसी घर के घर में लेकिन खबरों का मुख्य मकसद है कि जो सच्चाई है हम आप तक पहुंचाएं और यही वह घर है ए बाबा भी हैं बाबा कौन थी वो महिला आपकी हमारे नातिन पोतो है नातिन पोतो आप दादा हैं वो नातिन पोतो बोल रही तो वो बोल रही नातिन पोतो हमार दूगो लड़का नाती बड़ा सन आ ये छोट भाई जन को ऊपर उनका डिलीवरी वेवरी की बात रहे तो वही पर पड़ रही ऊपर आई घर में बाबू सब हम सब बात कर घटना वाला दिन में इंसान कोई नहीं था घर में कोई लोग नहीं थे खाली बच्चे ही थे तो तब ना केवाड़ी को कटाई बाबू परिवार जन जो उनके मायके के लोग हैं उन्होंने थाने में कहा है सास ससुर वगैरह और पति वगैरह का नाम दिया है कहाँ तक सच्चाई है चूँकि आप बुजुर्ग हैं आप सच्चाई बता सकते हैं हम अपन कसम खा के कहतनी बाबू हमने के कोई दोस्त नहीं है इनको को भगा दिलस यही हस्बैंड हमन घर से इनको को भगा दिल तू जाना वो जब बिया डालत तू ये क्या करत रह उसके मन में क्या चल रहा था किसी को पता नहीं चला ना वो बात बचाना ना कलस अथी कहना वाना हाँ बताया लोग तब बाबू ये तो बात रहे बाबू हमने का कह हमने अपराध चलिए बुजुर्ग है आंखों में दुख है और दुख इस बात का है कि जो शर्म है जो बेइज्जती है इन लोगों को महसूस हो रही है कि गांव के लोग क्या कहेंगे आप इधर रहिए थोड़ा सा इधर रहिए गांव के लोग क्या कहेंगे और कहते हैं कि गांव जो है सामाजिक रूप समाज के से बंधे होते हैं गाँव के लोग बड़े सामाजिक होते हैं और मौत से ज़्यादा बदनामी से डरते हैं और इसी कारण बाबा भी रो रहे हैं क्या नाम है आपका विमल कुमार पत्नी थी आपकी जी घटना के समय कहाँ थी आप घटना के समय में हम लोग खेत में चले गए थे गोभी कोड़ने के लिए मेरा भाई को पता चला आपको कि पत्नी नहीं रही हम लोगों को पता चला कि जब गांव का आदमी झूठा आग पर लगते हुए देखा आदमी जब आया दरवाजा पर मेरा तो आदमी सूचना दिया फोन किया कि भाई तुम्हारा आपके बच्चों को बयान हमने सुना ऑन कैमरा रिकॉर्ड है लेकिन मेरे मन में भी एक सवाल है कि जो अंदर में छोटा वाला ताला था तो अंदर वाली महिला ने तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की बाहर से क्यों कटा गया आते आते हैं आपके पास अंदर की ताला महिला से नहीं टूट पाई मतलब मरता मरता वो हार गई नहीं टूट पाया तब बाहर से पब्लिक ने ग्राइंडर मशीन जल्दबाजी हारा जल्दबाजी के लेकर केवाड़ी कटा गया सर आप लोगों ने सब कहा था ऊपर में लटका हुआ था हम लोग आए जब केवाड़ी कट चुका हम लोग आए तब तक ले परिजन हमको गांव का आदमी पब्लिक केवाड़ी काट दिया हम लोग आए तो देखे केवाड़ी कट चुका है हम लोग भी अंदर गए मेरा गांव का आदमी साथ में हिला
तो हम लोग देखे कि फांसरी लटका कर उनके उसके उसके मायके को कौन सूचना दिया कि घटना ऐसा हो गया? मायके का सूचना हम ही दिए हैं सर। हम लोग दिए, आप लोग दिए थे? हम दिए हैं। उसके बाद भी इल्जाम आप लोगों पर लगा? हाँ, हम लोग दिए इल्जाम, उल्टा हम लोग पर भी डाल रहे हैं। हम लोग सूचना कीजिए कैसा ऐसा बात हो गया है, हम लोग कानून पर कितना व्यवस्था विश्वास है आपको? अगर आपने घटना नहीं किया है तो कानून पे कितना आप? हम कानून पर विश्वास करते हैं सर, इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। आप क्या घटना में शामिल हो गए तो जेल जाएंगे ना? घटना में शामिल होंगे तो सर जेल जाएंगे। विश्वास है कानून पे? कानून पर विश्वास है। मृत्या के पति हैं और पति का भी कहना है कि न्यायिक जांच हो और जांच में मैं अगर संदिग्ध पाया जाऊंगा तो बेशक मुझे जेल बुझे, लेकिन बेगुनाह है। बच्चों को भी आपने सुना और कहते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बहरहाल यही वह घर है जिसके सामने हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं न्यायिक व्यवस्था, न्याय की प्रक्रिया को मानने वाले को भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि गहन जांच हो और ऐसा ना हो कि निर्दोष भी फंस जाए। अगर कोई गलत किया हो तो सजा जरूर मिले, परंतु निर्दोष इस केस में फंसे नहीं।